बहिष्कृत हितकारिणी सभा, हम आपको बताएंगे कब हुआ इस सभा का गठन, किसने किया इस सभा का गठन, क्यों किया इस सभा का गठन, साथ ही बताएंगे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हम आपको बता दें, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 20 जुलाई 1924 को मुंबई में किया था। हम आपको बता दें, एग्जामिनर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? आपका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कब किया था? 1924 में किया था। अब हम आपको बताते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 20 जुलाई 1924 को मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े भारतीयों को समाज में बराबरी का हक दिलाना था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के माध्यम से दलितों के कल्याण के लिए पाठशाला, छात्रावास और ग्रंथालय शुरू किए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। हम आपको बता दें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक पार्टी का भी गठन किया था 1936 में, जिसका नाम था स्वतंत्र श्रमिक पार्टी यानी स्वतंत्र लेबर पार्टी, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। थैंक यू।